नमस्ते, मैं पंछी आप लोगों को मेरे चैनल पिंक पंछी को स्वागत करती हूँ। चलो आज बनाते हैं पकोड़ा। बहुत सारे पकोड़े आप लोगों ने बनाए होंगे घर में, लेकिन मेरा पकोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे बनता है चलो देखते हैं। क्रिस्पी पकोड़ा कैसे बनाते हैं चलो। दोस्तों, हमारा स्पेशल वाले पकोड़े बनाने के लिए ये सब सामान चाहिए। चलो जान लेते हैं उन लोगों को कौन कौन होंगे हमारे परिवार में शामिल। हमारे परिवार में शामिल होने के लिए यहाँ सब आए हैं। 2 हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ। आप ले सकते हैं बड़ा वाला प्याज, नहीं तो छोटा छोटा दो ले सकते हैं। और बेसन 1 कप लिए हैं। यहाँ पे ट्विस्ट भरा है, जैसे कि आटे 1/2 कप लिए हैं, मतलब गेहूं के आटा 1/2 कप और चावल के आटा 1/2 कप लिए हैं। थोड़ा सा करी पत्ता एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें 2 हरी मिर्ची कटा हुआ ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, देन थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर कलर बनाने के लिए। हम थोड़ा सा प्याज ले लेते हैं, पकौड़े के मुताबिक हम प्याज लेंगे। तो यहाँ पे हम कब प्याज ले लिए, अभी थोड़ा ट्विस्ट है, आप अच्छी तरह से देखिए। हम प्याज के मुताबिक 2 चम्मच बेसन लिए, उसके मुताबिक हम गेहूं का आटा 1 चम्मच लेंगे और चावल के आटा 2 चम्मच लेंगे। चावल का आटा वो जो क्रंची बनाएगा पकौड़े को। थोड़ा सा ले लेते हैं करी पत्ता। हो गया परिवार मिलन। परिवार के लिए जैसा प्यार जरूरी है, प्यार जितना दोगे तो परिवार का रिश्ता उतना स्ट्रांग होगा। यहाँ पे उसी तरह आप परिवार को मिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे, उससे अच्छे से घुल मिल जाएंगे, तो बन जाएगा हमारा बैटर, पकोड़ा का बैटर। अब बैटर रेडी है हमारा। देखिए कढ़ाई लिए हैं, उसमें तेल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। बैटर को हम उंगलियों में मसल के थोड़ा थोड़ा तेल में छोड़ देंगे। छोटा छोटा बनेगा तो पकोड़ा अच्छा बनेगा। देखिए पकोड़ा डालने के बाद ऑयल में ऑयल कितना बबल बबल हो रहा है, इसका मतलब ऑयल अच्छी तरह से बॉईल हुआ है। पकोड़े को ऊपर नीचे करते रहिए, करने से अच्छी तरह से पक जाएंगे जल्दी जल्दी। एक साइड ज़्यादा जल जाएगा, नहीं तो एक साइड कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो बीच बीच में हम ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। एक टिप्स आप सभी के लिए, आप जब बैटर बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी देना चाहिए, नहीं तो पतला ज़्यादा हो जाएगा तो बैटर अच्छा नहीं बनेगा, तो कुछ भी रेसिपी अच्छा भी नहीं बनेगा, जरूर याद रखना। देखिए हमारा पकोड़ा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, आपको ज़्यादा ब्राउन चाहिए तो थोड़ा और ब्राउन कर सकते हैं। अब हम उसको निकाल लेंगे एक प्लेट। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, येलो येलो, थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन निकाल लेते हैं। चलो थोड़ा प्लेटिंग कर लेते हैं, दोस्तों ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। नमस्ते, बाय।